स्टूडेंट्स क्लास 10th सोशल साइंस के आज के इस चैप्टर में जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया है, इसमें हम आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वो कौन से सारे हालात थे, सरकमस्टांसेस थे जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हुआ। और वो आंदोलन ऐसा नहीं है कि एक दिन में खड़ा हो गया, उसमें कई तरह के आंदोलन फार्मर्स के, पीजेंट्स के, इसके अलावा और भी समाज के अलग अलग तबके के लोग शामिल थे। और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम ऑनरेबल महात्मा गांधी जी ने किया। आइए हम इनमें से एक की चर्चा शुरू करते हैं जिसका नाम हम देते हैं सत्याग्रह मूवमेंट। के सत्याग्रह मूवमेंट के क्या आगाज़ या प्रारंभ जिसको आप कह सकते हैं, इसको महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया। और ये कह के स्टार्ट किया कि किसी भी आंदोलन या किसी भी एजिटेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाए, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया जाए गवर्नमेंट की, या वायलेंस या हिंसा का सहारा लिया जाए। बिना हिंसा का सहारा लिए, बिना मारपीट, लड़ाई, झगड़ा, आगजनी का सहारा लिए आंदोलन किया जाए तो उस नोबेल मेथड, एक तरह से कहा जाए कि शुरुआत गांधी जी ने की, उसी को सत्याग्रह मूवमेंट का नाम दिया जाता है। ये भारत के कई हिस्सों में शुरू हुआ था, हम दो तीन एक के बाद एक आपको बताना चाहेंगे। पीजेंट्स मूवमेंट इन चंपारण, ये आंदोलन बिहार में एक ज़िला पड़ता है चंपारण। चंपारण में इंडिगो का प्रोडक्शन होता था, नील का उत्पादन होता था। वहाँ के किसानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह से एक्सप्लॉयट करती थी कि उन्हें मजबूर करती थी कि वो नील का उत्पादन करें और इंडिगो का प्रोडक्शन करें और उसे सस्ते दामों पर अंग्रेज़ों को बेचें। महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर जा करके चंपारण में इसके ख़िलाफ़, इस एक्सप्लॉयटेशन के, इस शोषण के, इस किसानों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। उसके अलावा पीजेंट्स मूवमेंट इन खेदा 1917, खेदा एक जगह का नाम है, वहाँ पर 1917 में इसी तरह से किसानों ने आंदोलन शुरू किया। अहमदाबाद पहले से ही मशहूर है मिल वगैरह के लिए, तो मिल वर्कर्स की एक मूवमेंट वहाँ पर शुरू हुई। जब ये देखा अंग्रेज़ों ने कि यह आंदोलन काफ़ी तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रहा है, लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस आंदोलन को, इस एजिटेशन को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए एक एक्ट पास किया। उसका नाम रखा रोलैट एक्ट। ये रोलैट एक जस्टिस रोलैट के नाम पे पड़ा हुआ है। क्या था रोलैट एक्ट? रोलैट एक्ट ये था कि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर था कि वो बिना किसी वारंट के, बिना किसी पहले के मुकदमे के, जिसको भी गवर्नमेंट समझती कि इससे हमको ख़तरा है, उसे जेल में डाल देती थी और उसकी काफ़ी दिनों तक जमानत नहीं होती थी, कोई उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाता था। 1919 में जब ये रोलैट एक्ट तो पास हुआ तो इसके खिलाफ कई जगहों पर आंदोलन की शुरुआत हुई। लोग इसके खिलाफ उबलने लगे कि ये बहुत ही गलत है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको सप्रेस करना चाहती है, दबाना चाहती है, हमें आज़ादी नहीं देना चाहती है। और एक बहुत बड़ा नाम इसी एजिटेशन में लिया जाता है, जालियांवाला बाग मैसेकर। ये आंदोलन 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन हुआ था, जहाँ पर पंजाब में एक जगह पड़ती है जालियांवाला बाग। वहाँ पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे, पीसफुल तरीके से इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का दिन था, लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ पीसफुल
प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जनरल डायर जो उस एरिए का इंचार्ज था उसने वहाँ पर उन निहत्थे लोगों को घेर कर उन पर गोलियां बरसाईं और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और इस तरह से एक बहुत ही बड़ा नरसंहार अंग्रेज़ों के ज़रिए हुआ। और आगे चल कर के इस आंदोलन को जो दबाने की कोशिश हुई इसकी वजह से और भी नाराज़गी अंग्रेज़ों के खिलाफ फैलती चली गई। और हम आपको अगले लेक्चर में ये बताएंगे कि किस तरह से जालियांवाला बाग के बाद किस तरह से और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन खड़े हुए। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।